सर, आपसे हम मौसम की कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानकारी लेना चाहते हैं किस तरह से रहेगा, क्योंकि अभी तक देखा गया कि मौसम की बेरुखी यहाँ पर देखने को मिली है, उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी है लोगों की, बागवानों की। देखिए, ऐसा है कि अभी अगले 48 आवर्स कुछ बादल रहेंगे। जो खासकर जिले हैं शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन ऊपरी क्षेत्र जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे ऊपरी क्षेत्रों में एक दो जगह पे हल्की बर्फबारी होगी। लेकिन जो अभी तक जो बारिश नहीं हुई है, ड्राई स्पेल जो चला हुआ है, उससे कोई बड़ा राहत मिलने की अभी संभावना अगले 4 से 5 दिन नहीं है। ये ज़रूर है कि जैसे हल्का सा स्नोफॉल जो है अगले 48 आवर में एक्सपेक्टेड है, और ज़्यादातर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लेकिन फिर से जनवरी एंड और 1 और 2 फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। अगर ठीक ठाक हवाएं हमारी दिशा में रहीं और एक्टिव रहा, अभी तो ठीक दिख रहा है कि संभावनाएं लग रही है कि उन दिनों पे कुछ बर्फबारी होगी, लेकिन हो ये रहा कि पश्चिम विक्षोभ इस साल जितने भी आए, यहाँ आते आते कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कमज़ोर पड़ने के बावजूद जो है बारिश और बर्फबारी नहीं दे पाते हैं और खाली टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद ये है कि 1 और 2 में कुछ स्नोफॉल एक्टिविटी हो सकती है। सर क्या माने सर इसको, क्लाइमेट चेंज में मान सकते हैं, और या जो हमारे जो सीज़न है या मौसम की बात करें, ये शिफ्ट हो चुके हैं आगे को, या गर्मी के कई बार देखा गर्मी भी काफ़ी आगे लेट पड़ती है, क्या ये कोई रीज़न मान सकते हैं सर, क्या आप देखिए, क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज तो है ही है, तापमान जो है ग्लोबली बढ़े हुए हैं, उससे जो मौसम की प्रणाली है उसके ऊपर ही फर्क पड़ा है, अंतर जरूर है। और जहाँ तक सीजन्स की बात है, आप देख रहे होंगे कि बरसात भी थोड़ा शिफ्ट हुआ है, अब दो में आ गया है, और इसी तरह से सर्दियाँ भी दिसंबर जनवरी के बजाय अब थोड़ा और आगे जा रही हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का असर तो देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो है उम्मीद बनी रह सकती है बर्फ़ पड़ने की, क्योंकि काफ़ी उम्मीद रहती है खासतौर पर जो हमारे किसान बागवान हैं, और खास तौर पर अगर पर्यटक दृष्टि से देखें तो शहर को काफ़ी, इसमें जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उनको काफ़ी उम्मीद रहती है बर्फ़ पड़ने की। हाँ नहीं, बिल्कुल रहे, अभी उम्मीद तो है क्योंकि फरवरी भी है, और फरवरी में कुछ अभी जैसे इंडिकेशंस है, मॉडल कुछ दिखा रहे हैं कि बर्फबारी होगी। अगर इसी तरह से ठीक रहा आगे जो सर्कुलेशंस और हवाएं की दिशा ठीक रही, तो मुझे लग रहा है कि फरवरी में बर्फबारी आ सकती है। लेकिन अगर जनवरी में बर्फबारी नहीं होती है तो उसके कुछ अलग मायने हैं, उसके अलग असर हैं। लेकिन उम्मीद रखिए अभी उम्मीद के ऊपर, क्योंकि अभी जो फोरकास्ट है उसमें ये लग रहा है कि फरवरी में कुछ बर्फबारी तो जरूर आएगा। सर बर्फबारी तो दूर की बात है, बारिश भी यहाँ पर नहीं पड़ रही है, सूखे की अगर बात करें तो क्या लगता है कितने टाइम बाद जो है इस तरह का स्पेल आया कि सूखा यहाँ पर गया, जनवरी के महीने की अगर हम बात करें? जनवरी का अगर हम पिछले 123 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, तो उसमें करीब करीब 4 साल ऐसे रहे हैं जब इतनी कम बारिश और बर्फबारी देखने को मिली होगी। लगभग ना के बराबर जो साल रहे उसमें 4 साल रहे हैं, उसमें 66 है, 96, 97, 98 है, 2007 है, और 21 2021, इन सालों में लगभग बर्फबारी जो है ना के बराबर या बारिश रही है। तो 24 भी लगभग उसी के आसपास, उसी इंटेंसिटी का और उसी डेफिसिट रेनफॉल का साल है, और इस साल भी -99% के आसपास डेफिसिट है, कमी है प्रेसिपिटेशन में। तो लेवल इस साल जो है विंटर का काफ़ी कम है, और बड़े कम साल ऐसे रहे हैं जब इस तरह के हालात रहे। टेम्परेचर की अगर बात करें सर, तो कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा माइनस में जो टेम्परेचर अभी तक यहाँ पर गया है, क्या दर्ज किया गया है, देखा गया है मैदानी इलाकों के साथ जो हमारा बाउंड्री लाइन पड़ती है वहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, क्या क्या वजह देखिए, है सर? तापमान जो है कुकुमसेरी में -10 के आसपास गए हैं, जो लोएस्ट हिमाचल में रहा लाहौल स्पीति में। उसके बाद प्लेन्स के जो एरिए हैं वहाँ तापमान काफ़ी कम है, कुछ जगह पे 0 डिग्री है इससे और नीचे, वहाँ पे फॉग भी है। तो लोएस्ट टेम्परेचर जो है बिल्कुल हाई रीचेज पे, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के कुछ पॉकेट्स में देखने को मिले।